हिमाचल में कांग्रेस की जीत दिख रही है। कई प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती से मिलने रुझानों की तस्वीर लगभग साफ कर दी गई है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से राज्य में सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। बात मैनपुरी की उपचुनाव की करें तो यहां पर डिंपल यादव की जीत चुकी है। यहां डिंपल यादव का मुकाबला बीजेपी के रघुराज सिंह सकाय से हुआ था। रामपुर विधानसभा सीट से भी समाजवादी पार्टी की जीत तय दिख रही है। खतौली में भी हुए विधानसभा उपचुनाव में रालोद के मैदान मदन भैया लगातार बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूर्ण हैं, बहुमत से जीत रहे हैं। हमें अपने जीते हुए विधायकों के साथ हिमाचल या चंडीगढ़ में कहीं भी मिल सकते हैं। प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट की करें तो डिंपल यादव का प्रचंड जीत तय है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। रुझानों के सामने आने के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर लिया। शिवपाल खुद सपा में घर वापसी कर बेहद खुश हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। रुझानों के मद्देनजर में कांग्रेस पार्टी जोश में है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस बहुमत हासिल कर चुकी है और ज़्यादा अभी बढ़ते हुए आगे दिख रही है। तो आसानी से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो इस पे आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।